बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलास। हाँ असं जो सवाल हल कर रहा हूँ सो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ओवर अपॉन 3x स्क्वायर रेडिकल वाई एंड प्लस 6। इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज -4 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 9। इन एलजेब्रिक इज़ार के हल करण के लिए सब का पैं असा जी दिनल कीमतू आन उन एलजेब्रिक इज़ार जी प्लेस ते रखंदासी यानी जाइन ते रखंदासी। अड़े नमूने से 5 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ओवर अपॉन 3x स्क्वायर रेडिकल वाई प्लस 6 जिको मिलल एलजेब्रिक इज़ार। हाँ असं एक्स एंड वाई जो कीमतूँ रखंदासी फाइव सागो ब्रैकेट एक्स की जाए ते -4 जका एक्स की कीमत आ प्लस सागी वाई की कीमत 9 अपॉन 3 सागो एक्स जडे ते एक्स की कीमत आ -4 पर एक्स के मथा स्क्वायर आ ते करे कीमत के मथा असी स्क्वायर दींदासी। अड़ी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर वाई है वाई की कीमत 9 प्लस 6 जो रेडिकल का बाहर वो सागो ही लिखबो। अड़ी तरह से कीमतू रखे करे उनके हल कर वो 5 जो ब्रैकेट का बाहर वो सागो तेजो ब्रैकेट से ज़रब जो तालुक आ ब्रैकेट के अंदर जो कीमतू आन उनके पान में हल कबो 9 प्लस जहाँ 4 माइनस जहाँ वही कीमत 9 जी प्लस की आकर 9 में 4 कट कबा तो बचंदा 5। अड़ी तरह से स्क्वायर हल कर वो 3 सेम माइनस जो स्क्वायर ब दफा माइनस तो प्लस थे तो 6 जो स्क्वायर तो 16 वरी रेडिकल साइन इन कीमत के बीच में का भी निशानी कान्हे तो इन पान में ज़रब जो तालुक आ था 9 जो रेडिकल यानी स्क्वायर रूट जो वो 3 थी दो, प्लस 6 सागो। अड़ी तरह से 5 जो मिलल हा 5 जो ब्रैकेट के हल कर असा के हासिल थे इन पान में ज़रब बत कभी तो 5 5 25 थे तो हि जी कीमत 3 मिलल हुआ 3 9 जो बो मुल हो 16 जो हासिल थो 4 जो स्क्वायर हो तक इन पान में ज़रब कज टिटका 9 900 144 या वो 348 348 टिन से ज़रब कबो तो 144 थे तो प्लस 6 सागा 25 सागा अंश वारा 144 छह पान में एड कबा 150 एक बे के डिवाइड कंदा 50 जो खोड़ो 50 ते एक दफो 50 जो खोड़ो 150 ते 6 दफा तें करे दिनल एलजेब्रिक इज़हार जी हिया कीमत आए जेका 1/6 थे।